बिजनेस ऐसा होने वाला है जो हमेशा चलेगा, इसमें कोई आपके माल फंसने की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने मशीन ली, प्रोडक्शन करूंगा, प्रोडक्शन के बाद में मैं माल बेचूंगा। आप जो आप बिजनेस कर रहे हो, सपोज आप मोमोज बेचते हो, आप फूड कार्ट लगाइए, थोड़ी सी स्पेशलिटी आ जाएगी, थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू बनेगी और आप अपना ब्रांड भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड है वो यहीं से शुरू हुए हैं, रेडी से शुरू हुए हैं, वो भी आप जानते हो, चाहे वो MBA चाय वाला ले लो या फिर आप BTEC पानी पूरी वाला ले लो, तो यहीं से शुरू हुए हैं। तो इसमें आपको डेली की कमाई हो सकती है, अगर आप ये बिजनेस करते हो तो आप इसमें डेली कमा सकते हो और कैश में कमा सकते हो, इसमें कोई पैसा फंसने वगैरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कोई मेरा व्यूवर चाहता है कि मैं आइसक्रीम का कार्ड बनवाऊं, आइसक्रीम मैं अपनी सेल आउट करूं, तो वो आप अवेलेबल कराते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल वो भी अवेलेबल हो जाते हैं, डीप फ्रीजर लग जाता है कार्ड में ना। डीप फ्रीजर लगा दोगे आप? बिल्कुल सर। तो उसमें ठंडी वगैरह की पूरा सॉल्यूशन रहेगा? बिल्कुल, डीप फ्रीजर रहेगा, उसमें ठंडा ही रहेगा, बाकी इन्वर्टर वाला चाहिए वो मिल जाएगा, जिस तरीके का भी फ्रीजर आपको रिक्वायरमेंट होगी वो मिल जाएगा। तो अगर सॉफ्टी से आइसक्रीम से भी अगर कोई अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना चाहता है तो वो भी आप क्रिएट करा दोगे? बिल्कुल सर। मतलब आप यहाँ पे खड़े हुए सिर्फ दूसरों की ब्रांड बनाने के लिए? बिल्कुल सर, अपने हाथ का हुनर आजमाइए और पैसा कमाइए सर। तो दोस्तों अगर बिजनेस करना चाहते हो, डिस्प्ले पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज मैं आया हूँ एक कार्ड की कंपनी में जहाँ आपको देखने को मिलेंगे चलते फिरते 5-star होटल। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हो चलते फिरते 5-star होटल है, इसके आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है, आपको बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। पूरी डिटेल जानने के लिए चलते हैं खुशी मैडम के पास में और जानेंगे कि आज कौन कौन से ये प्रोडक्ट देने वाले हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपना परिचय और अपनी कंपनी का परिचय मेरे व्यूअर को दीजिएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरी कंपनी का नाम श्री गणेश एंटरप्राइजेज है, बेसिकली फूड कार्ट मैन्युफैक्चरर है। अच्छा जी। जितना कोई भी तरीके का आपका फूड कार्ट है आप यहाँ से ले सकते हैं। बेसिकली कार्ट सिर्फ फूड के लिए नहीं होती है, ये आपका मल्टीपल वो रहता है, जो भी रहता है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो आपने चलते फिरते बना दिए अपने 5-star होटल, जैसे कि ये देखो लाइट वाइट सब कुछ लगा दिए, तो ये क्या क्या है मैम, किस लिए यूज होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए ये आपका एक तरह से ये आपका एक चलता फिरता रेस्टोरेंट है जी। आपने इसे रेंट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जगह की कोई किल्लत नहीं होता, आप इसको कहीं भी खड़ी करके काम कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट पहले बाहर विदेशों में चलता था, थाईलैंड वगैरह में मैंने देखी है। अब ये जो है ये इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। ये आपकी कार्ड रहेगी जो मल्टीपल रहेगी, आप इसमें फूड का काम करना चाहते हैं फूड का कर सकते हैं, एक्सेसरीज बेचना है, मोबाइल कवर बेचना है, कॉस्मेटिक शॉप लगानी, आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं सर। एक पहिया आपका सुंदर दिखता है, कोई ऐसे नहीं है कि दूर से देखेंगे तो दिखाई देगा, कस्टमर जहाँ अट्रैक्ट होगा तो बिल्कुल आपका सामान खरीदना आएगा, सामान कुछ भी हो। आजकल तो ट्रेंड भी है ना, एक स्टार्टअप अगर शुरू हो रहा है तो रेडी से शुरू हो रहा है, चाहे वो टपरी चाय वाला। बिल्कुल जी बिल्कुल, MBA चाय वाला है। बिल्कुल, आपका BTEC पानी पूरी वाली है, सब यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से शुरू है, यहीं से चढ़ गए ऊपर सीढ़ी तक पहुँचे सर। तो दिखाइएगा मैम थोड़ा सा क्या क्या आप दे रहे हो इसमें। ये मैडम ये जो कार्ड मैं देख रहा हूँ ये किसके लिए बनाई है आपने? ये कार्ड आपकी चाइनीज सेटअप के लिए सर, कार्ड आप कोई भी लीजिए, सेटअप कुछ भी लगाइए, बर्नर कंटेनर्स आपको दिए जाते हैं, मोमोज लगाए, चाउमीन बेचे आप अपना, जैसे ये कार्ड है आपकी, इसमें आपका डोसा तवा रहेगा। अच्छा, ये डोसे के लिए बना दिया? बिल्कुल जी, ये डोसा तवा है, बर्नर दिया गया है साथ में। मुझे लगता है इसकी कटिंग नहीं हुई ना अभी? नहीं नहीं, अभी कटिंग नहीं हुई है, ये नीचे जाएगा। अच्छा, ये नीचे जाएगा प्लस इसके नीचे बर्नर रहता है। तो ये लाइट वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके दे रहे हो या कस्टमर की है ये? नहीं नहीं, लाइट सारी इंक्लूड रहती है, कलर चॉइस कस्टमर का रहता है। अच्छा, लाइट कौन से कलर की चाहिए, कार्ड कौन से कलर की चाहिए, मतलब फुल्ली कस्टमाइज है। बिल्कुल जी। अच्छा सर, एक यहाँ पे मैंने लोगो वगैरह भी देखा है कार्ड पे, तो वो भी आप प्रोवाइड कराते हो क्या? बिल्कुल प्रोवाइड करा देते सर, जैसा भी लोगो चाहिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि किस तरीके का लोगो चाहिए, बनवा हम देंगे सर। डिजाइन वगैरह सब कुछ आपकी है? बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब कस्टमर को बताना है कि मुझे इस तरीके का चाहिए, वो आप बना करके दे दो? और दिखाइएगा मैडम क्या क्या बनाया आपने, ये मुझे स्पेशल सा लग रहा है, ये इसमें आपने यहाँ पे कुछ स्पेस दिया हुआ है, ये किस लिए है? ये सर जी बेसिकली डिजाइन है आपका, BTEC पानी पूरी वाला आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है। हाँ। ठीक है, ये उसी की लगा लीजिए आप, सेकंड कॉपी लगा लीजिए। अच्छा। ठीक है, ये वो वाली छत बनाई गई है, प्लेन छत भी होती है आपकी, चौकोर में भी होती है, ट्रायंगल में भी होती है। अच्छा, बाकी इसमें शीट अलग लगाई गई है, जैसे आप वो देखे की वो अलग शीट है, बीच में आपने देखी है वुडन शीट है, ये आपकी अलग शीट है सर, ये फाइबर की शीट है ना?
ठीक है, मैट्रिक बोलते हैं सर इनको। इसमें भी लाइटिंग वगैरह पूरी चारों तरफ दी गई है, काफी अच्छी है। और अगर बारिश वगैरह आती है तो ये आपके हाइड्रोलिक पंप है, ये हाइड्रोलिक है, मतलब अगर यहाँ से अगर बंद करके अगर छोड़ देंगे तो सीधा ऊपर चला जाएगा। हाइड्रोलिक चाहिए हाइड्रोलिक मिल जाएंगे, मैनुअल चाहिए मैनुअल मिल जाएंगे, मैनुअल भी होते हैं। अच्छा, तो मतलब आपने 5-स्टार होटल एक रेडी पर ला करके रख दिया है। बिल्कुल सर। अच्छा मैम, मैंने देखा है कि जो रिक्शा होते हैं ई रिक्शा, उस पे भी बनाए जाते हैं कार्ड वगैरह। रिक्शा पे भी बनता है कार्ड, वो भी आप बनाते हो? बिल्कुल बनाते हैं सर। एक्चुअली आप देख रहे होंगे मेरी फैक्ट्री में जगह ही नहीं है कार्ड रखने के लिए। अच्छा, वो मतलब बाहर रखे हुए हैं अभी सर। तो वो भी आप अवेलेबल करा देंगे? अवेलेबल हो जाएगा सर, कस्टमर की जैसी नीड है वैसा आप अवेलेबल करा देंगे। मैम जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये बर्नर तो एसएस का है, काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है मुझे। बिल्कुल जी, बर्नर आपका एसएस का रहेगा, आपके जो कंटेनर है वो एसएस में रहते हैं। ये चटनी के लिए बनाया है आपने? ये जो ऊपर शीट रहती है वो भी आपकी एसएस की ही रहेगी सर। मतलब इसके अलावा भी अगर कोई भी बॉक्स बनवाना चाहता है कस्टमर तो वो आप बना दोगे? नीड है सर, आप कितने भी कंटेनर लगवाइए, इसमें फ्रायर भी एड हो जाता है ऐसे तो। बहुत से लोग दो बर्नर मांगते हैं, फ्रायर मांगते हैं, दो बर्नर मांगते हैं, वो एड हो जाते हैं सर। अच्छा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपने इसमें लाइटिंग का काफी अच्छा ध्यान दिया है, तो लाइटिंग क्या है कि अगर पटरी पर खड़े होगा तो लाइट का कनेक्शन मिलेगा कैसे, तो उससे क्या ये सारी लाइट आपकी जो है ये बैटरी वाली है? बैटरी वाली है? बिल्कुल जी, अगर आपके पास लाइटिंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा, बैटरी रखे इसमें आराम सर, आपकी सारी लाइटें चलेगी। तो मैम जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये लाइटें वगैरह सब, आप जैसे कि आप बता रहे हो कि बैटरी की लाइट है, तो बैटरी की व्यवस्था इसमें कहाँ पर की गई है? ये नीचे है सर, नीचे पूरा स्टोरेज रहता है ना आपका। अच्छा, नीचे आप इसमें बैटरी रख सकते हैं, सिलेंडर रख सकते हैं, इसमें पूरा सिलेंडर वगैरह की पूरी व्यवस्था है, मटेरियल है वो रख सकते हैं। अच्छा, तो बैटरी वगैरह की पूरी व्यवस्था है? बिल्कुल सर, मतलब किसी भी तरीके का लाइट का बिल नहीं आना है, आपने सिर्फ बैटरी चार्ज कीजिए और आराम से चलाइए। मतलब बिना किसी कॉस्ट के आपने चलता फिरता ये बना दिया रेस्टोरेंट। मैं देख रहा हूँ आपने ये एक बनाया हुआ है कार्ड टाइप का या काउंटर टाइप का है, और ये जो कार्ड है इसमें पहिए इस तरीके के हैं, इसमें इस तरीके के हैं, ये क्या है सॉल्यूशन? ये है सर जी, ये जो कार्ड है ये आपकी मूवेबल है। अच्छा, अगर आप 5-10 किलोमीटर ले जाना चाहते हैं बाइक स्कूटी से, तो कीजिए इजिली ले जाइए। अच्छा, बाइक स्कूटी से ले जाएंगे इसे? बिल्कुल सर बिल्कुल। और ये जो है ये आपका काउंटर टाइप है। अच्छा, जैसे बड़ी बड़ी शॉप्स होती है वो अपने शॉप के बाहर एक काउंटर रखते हैं, तो इसलिए इनके पहियों में डिफरेंस है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ पहिए भी काफी स्पेशल वाले लगाए हुए हैं मैम ने जो लगाए हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के पहिए हैं। बिल्कुल सर, मूवेबल है सर जी, सड़क पे चलाना है तो क्वालिटी देनी पड़ेगी। तो अगर दोस्तों आप कोई भी अपनी ब्रांड बनाना चाहते हो, मोमोज बेचना चाहते हो, चाउमीन बेचना चाहते हो, तो किसी रेस्टोरेंट लेने की जरूरत नहीं, किसी दुकान लेने की जरूरत नहीं है, चलता फिरता आपको फूड कार्ट मिल जाएगा। अब अगर रेट की बात करें तो रेट क्या रहेगा इसमें? रेट के लिए सर जी स्क्रीन पर नंबर है आपके पास, अच्छा कॉन्टेक्ट कीजिए, बट अगर कॉल नहीं पिकअप हो रहा किसी वजह से व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मतलब रेट इसमें कस्टमाइज है? बिल्कुल सर, जैसा नीड है कस्टमर का उसी के अकॉर्डिंग है, वो जैसा सजवाना चाहता है वैसे सजा के दे दो। बिल्कुल जी। अच्छा, तो मैम चलते चलते ये बता दीजिए कि अगर कोई मेरा कस्टमर व्यूअर अगर आना चाहता है आपकी फैक्ट्री पर तो वो कैसे विजिट कर सकता है? बिल्कुल सर, उनके लिए उन्हें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, एड्रेस लोकेशन डिटेल सब उनको व्हाट्सएप कर दी जाएगी जी। हमारी फैक्ट्री जो है वो दिल्ली में है सर। तो दोस्तों जो मैम की जो फैक्ट्री है, जो फूड कार्ट का जो पूरा बिजनेस होने वाला है, फूड कार्ट की जो आपको मशीन मिलने वाली है वो दिल्ली से मिलने वाली है, जो सप्लाई है मैडम की, जैसे कि आप मैडम ने पहले ही बताया था कि ऑल ओवर इंडिया है, तो आप कहीं से भी कॉल करिएगा, कहीं से भी आप आइएगा मैम की फैक्ट्री आइएगा। अगर आप आना चाहते हैं कस्टमाइज कराना चाहते हैं सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं अपना अपने अकॉर्डिंग, अगर डिजाइन करवाना चाहते हैं उसमें लाइटिंग करवाना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, आप सीधा मैडम को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पूरी डिटेल जान सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये फूड कार्ड आपके मतलब का ना हो लेकिन जिसे शेयर करने वाले हैं उसके मतलब का हो जाए। नमस्कार।